जनपद में पड़ रही भीषण गर्मी से जिला अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या पर बोलते हुए वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन एमडी मेडिसिन डॉक्टर डीके सुमन ने कहा कि जिला अस्पताल में हर बीमारी के मरीज आ रहे हैं। डायरिया, खांसी, सांस तथा धूप लगने वाले मरीज भी आ रहे हैं। बाकी रूटीन वाले मरीज भी आते रहते हैं और बताया कि तेज धूप गर्मी की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने धूप से बचाव के लिए लोगों से अपील किया कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले और बाहर निकलते समय फुल आस्तीन के कॉटन के कपड़े से शरीर को ढक करके बाहर निकले, पानी पीने में कमी ना करें और फल अधिक मात्रा में सेवन करें। उन्होंने कहा कि इस गर्मी में सादा भोजन लेना चाहिए, तेल मसाले वाले भोजन को बिल्कुल ना लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन एमडी मेडिसिन डॉक्टर बी के सुमन ने कहा, बीके सुमन जिला अस्पताल गुरु। दिन मौसम में बदलाव हो रहा है, तेज धूप हो रही है, किस तरह के मरीज आ रहे हैं? हर तरह के मरीज आ रहे हैं, खास करके डायरिया के भी मरीज ज़्यादा बढ़ गए हैं, उल्टी दस्त वाले मरीज हैं, खांसी और सांस फूल है उसके मरीज आ रहे हैं। कभी कभी जो मरीज आ रहे हैं जिनको लू लग जा रहा है, हीटर से जो लापरवाही कर रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, तो उस तरह के भी मरीज आ रहे हैं। और जो रूटीन में जो मरीज आते हैं, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कार्डियक, ये सब मरीज तो रूटीन आते रहते हैं और मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। क्या बचाव, क्या घरेलू बचाव? यही है कि भाई पहले तो कि जो परिवर्तन, जो मौसम है उसके हिसाब से आपको एडप्ट करना पड़ेगा। कड़ी धूप है, बाहर ना निकलिए धूप, है ना, और यथासंभव हो सके तो आप घर में बने रहें। बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकले तो पूरे शरीर को कॉटन कपड़ा से ढक के रखिए, छाता लेके चलिए, पानी खूब पीजिए, पानी में कटौती नहीं, ये तब तक जहाँ तक कि खुली हुई चीज़ें या पानी जहाँ तक न लें जिससे कि आपको बीमारी का सामना करना पड़ सके। और यथासंभव हो तो अपने घर में रहें, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, लेकिन अपने को सुरक्षित रख कर निकलें। खाने की बात करें तो क्या खाना चाहिए मरीज? खाने पीने में जितना सादा भोजन अभी लें उतना ठीक है। गरिष्ठ भोजन, तेल मसाले चीज़ें, ये सब छनी तली चीज़ें को परहेज करें। इस मौसम में सादा भोजन ज़्यादा बेहतर है, श्रेष्ठ है, हेल्दी है। फल वगैरह का सेवन करें, फल का जूस वगैरह घर पर निकाल के लें, ये जरूरी है।